कार्यक्रम मुख्य वक्ता कुलपत महोदय कुलसचिव महोदय उपकुलसचिव महोदय से निवेदन करता हूँ दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें समाज में कृतज्ञता का महत्व इस विषयक राष्ट्र संगोष्ठी के मुख्य वक्ता हम सबके अभिभावक संस्थान के संरक्षक और बौद्ध दर्शन के मर्मज्ञ विद्वान प्रोफेसर संदोग पोछे जी हैं हम सब कृतज्ञ हैं कि आज आपके वक्तव्य को सुनेंगे और मुझे पूर्ण आशा है कि हमारी यह संगोष्ठी सफल रहेगी हम हमारे इस कार्यक्रम के संरक्षक प्रोफेसर वांगचौधरी नेगी जी और हमारे द, कुल कुलसचिव मैडम डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी उपकुलसचिविव डॉक्टर हिमांशु पांडे जी और अब मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मंगलाचरण के लिए संस्कृत में मंगलाचरण के लिए छात्राओं छा को आमंत्रित करता हूँ कि आप आवें और संस्कृत में मंगलाचरण करें भगवती भाषा में मंगलाचरण के लिए संस्थान के छात्र छात्राओं को आमंत्रित करता हूँ आप में माननीय कुलपत महोदय से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर पोछे जी को खतक अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत करें डॉक्टर दोर्जे दमदुल जी से विनम्र निवेदन है कि माननीय कुलपत महोदय को खतक प्रदान कर उनका स्वागत करें डॉक्टर सुचिता शर्मा जी से भी निवेदन है कि कुलसचिव मैडम को खतक प्रदान कर उनका स्वागत करें डॉ ए के राजी से भी निवेदन है कि उपकुलसचिव महोदय को खतक प्रदान कर उनका स्वागत करें अब मैं स्वागत संबोधन के लिए पारंपरिक तिब्बती चित्रकला विभाग अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सुचिता शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि आप आवे स्वागत करें धर्मचक्र प्रवर्तन की पावन भूमि विश्व प्रसिद्ध सारनाथ के अंतर्गत भोट विद्या प्रांगण में उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है आज इस एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य वक्ता रूप में बौद्ध शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान धुरी बौद्धिसत्व भिक्षु श्रेष्ठ संस्थान के संस्थापक एवं पूर्व निदेशक प्रोफेसर समदोंग रिम्पोजे जी का मैं हृदय पूर्वक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ <laughs> इस शुभ अवसर पर उपस्थित माननीय यशस्वी कुलगुरु बौद्ध साधक भिक्षु प्रवर इस संगोष्ठी के संरक्षक संस्थान के कुलपति परम आदरणीय प्रोफेसर वांगचु दोरजे नेगी जी जिनके मार्गदर्शन में यह संगोष्ठी आयोजित की जा रही है गुरु जी हम आपके बहुत आभारी हैं आपने संगोष्ठी आयोजित करने की अनुमति प्रदान की आपका हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत है महिला सशक्तिकरण की सशक्त हस्ताक्षर संस्थान की कुलसचिव डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी जिनका प्रशासनिक सहयोग एवं सानिध्य हम लोगों को हमेशा प्राप्त होता रहता है मैडम इस संगोष्ठी में आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन सहजता की प्रतिमूर्ति युवा एवं ऊर्जावान संयुक्त कुल सचिव डॉक्टर हिमांशु पांडे जी आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है सभाकार में उपस्थित विभिन्न बौद्ध विहारों से आए हुए भिक्षु संघ एवं संस्थान के संकाय अध्यक्ष विभाग अध्यक्ष विभिन्न संस्थानों से आए हुए विद्यवत मीडिया पर्सन इस संगोष्ठी के समिति के सदस्य एवं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संगोष्ठी के आयोजन से जुड़े हुए लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का यहाँ उपस्थिति दर्ज कराना हमारे लिए अत्यंत गर्व और प्रसन्नता का विषय है यह अवसर न केवल ज्ञान और विचारों के आदान प्रदान का है बल्कि हमें उन मानवीय मूल्यों को याद दिलाने का है जो हमारे जीवन और समाज को संवारती हैं। हमारे संस्कारों में कृतज्ञता का बहुत महत्व बताया गया है संस्कृत में कहा गया है कृतज्ञता नित्यम सियात साधु व्रत से भूषणा कृतिकतिकृतिम करतुम ऐसा धर्म सनातन अर्थात कृतज्ञता एक सज्जन व्यक्ति का सच्चा आभूषण है और जिसने हमारे लिए उपकार किया है उसका प्रत्युपकार करना हमारा सनातन धर्म है यह श्लोक हमें यह स्मरण कराता है कि कृतज्ञता हमारे जीवन का अभिन्न अंग है जो हमारे संबंधों को मधुर बनाती है और समाज में सामंजस्य स्थापित करती है आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी इसी मूल्य पर आधारित है जहां हम कृतज्ञता के महत्व को समझेंगे और इसे अपने जीवन में किस प्रकार आत्मसात कर सकते हैं इस पर विचार करेंगे मुझे विश्वास है कि अब अव... इस अवसर पर हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता एवं कुलपति महोदय के विचार और अनुभव हमारे जीवन में नई प्रेरणा देंगे और हमें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराएंगे अतः आप सभी का एक बार फिर से इस आयोजन में हार्दिक स्वागत है आशा है कि हम सभी इस अवसर का पूर्ण लाभ उठाएंगे और यहाँ से कुछ अनमोल विचार एवं मानसिक परिवर्तन लेकर लौटेंगे धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुचिता शर्मा जी और अब मैं विषय प्रवर्तन के लिए हमारे अग्रज डॉक्टर ए के राय जी को आमंत्रित करता हूँ आप आए और विषय प्रवर्तन करें इस संगोष्ठी को सारगर्भित कर्म प्रदान कर रहे हमारे मुख्य वक्ता प्रातः स्मरण विश्ववंदनीय विद्वान माननीय आचार्य सामदोछे जी ऋषि तुल्य कुलपति आदरणीय दुर्ज्यगी जी वात्सल्य भाव से अभिसंचित कुल सचिव महोदया डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी नैसर्गिक विनम्रता के, के संयुक्त संयुक्त कुल सचिव हिमांशु पांडे जी नवीन विचारों के प्रवाहक सहायक कुल सचिव श्री सुनील जी हमारे सम्मानित संकाय सदस्य संगोष्ठी के संयोजक का एवं उनके सहयोगी तथा अधिकारी एवं कर्मचारी वृंद विषय स्थापना एक औपचारिकता है वास्तव में इस विषय का वास्तविक मार्गदर्शन एवं विषय स्थापना संगोष्ठी के संरक्षक माननीय कुलपति महोदय तथा विश्व स्वीकार विद्वान इस ज्ञान बगिया के संस्थापक आचार्य सामद्रगिरिन पोछे जी के उद्बोधन के उपरांत ही होगा फिर भी संक्षेप में समाज में का कृतज्ञता का महत्व कृतज्ञता का अर्थ है यह स्वीकारना कि जो है बहुत अच्छा है अर्थात अच्छाई की पुष्टि करना उसे स्वीकार करना है तथा तो यह समझना कि अच्छाई के स्रोत हमारे बाहर विद्यमान हैं जैसे प्रकृति रिश्ते नाते आदि शोधकर्ता सामाजिक आयाम को कृतज्ञता के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं वर्तमान शोध इसे मानव जाति की नैतिक स्मृति कहते हैं इस नैतिक स्मृति का प्रयोग कर परिवार रूप इकाई से लेकर विश्व पटल पर शांति एवं सौहार्द की स्थापना की जा सकती है कृतज्ञता के संदर्भ में परम पवन दलाई लामा कहते हैं खुश रहने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर आंतरिक संतुष्टि चाहिए और आंतरिक संतुष्टि हमारी सभी क्षों को पूरा करने से नहीं आती बल्कि हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञ होने और उसकी सराहना करने से आती है <coughs> कृतज्ञता समाज में प्रचलित सभी धर्मों में विभिन्न प्रकार से परिभाषित एवं प्रचलित है यहाँ एक तथ्य विनम्रता पूर्वक स्पष्ट करना है कि यहाँ कृतज्ञता की चर्चा लौकिक जगत के संदर्भ में है दार्शनिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर नहीं बौद्ध धर्म में कृतज्ञता आश्रित उत्पत्ति की अवधारणा पर आधारित है जिसका अर्थ है सब कुछ आपस में जुड़ा है अर्थात बौद्ध के लिए सब कुछ अनुन्याश्रित है और परस्पर जुड़े हुए हैं एक दूसरे के बिना का अस्तित्व नहीं है यह भाव ही हमें कृतज्ञता के प्रति सदैव सजग रहती है जैन धर्म में मिक्षामित उत्कलम जिसे जैन धर्म में क्षमापान दिवस के रूप में मनाया जाता है न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि मानवीय सभ्यता का एक मूलभूत हिस्सा भी है इस अवसर पर हम अपने द्वारा जान या अनजान में की गई गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं और दूसरों को क्षमा करते हैं यहूदी धर्म में यहूदी धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति दिन की शुरुआत मोदेहानी से करते हैं अर्थात वर्तमान जीवन में जो ईश्वर का आशीर्वाद है उस परमात्मा को धन्यवाद देना ईसाई धर्म में जो भोजन परिवार जीवन सभी जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है उसे ईश्वर का आशीर्वाद मानते हैं और इसके लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं इस ब्रह्मांड के प्रकृति की गोद में अनगिनत जीव जंतु पेड़ पौधे उपस्थित हैं जिनका अपना एक निश्चित गुण धर्म कर्तव्य बोध से युक्त एक समूह है जो प्रकृति में एक निश्चित काल अवधि तक अपना जीवन चक्र पूरा कर प्रकृति पुंज में विलीन हो जाते हैं यह समस्त जीव जगत प्रकृति के संतुलन में अपना निर्धारित योगदान बिना किसी स्वसुख कामना के करते हैं इस संदर्भ में संत रहीम कहते हैं तरवर फल नहीं खात है सरोवर पीह निपान कही रहीम पर काज हित संपत सच सुजान अर्थात वृक्ष और सरोवर प्रकृति से पोषित पल्लित हो प्रकृति के दूसरे जीव जगत का पोषण करते हैं परंतु अपने लिए कुछ भी संचित नहीं करते सज्जन पुरुष के भी यही गुण है भारतीय सभ्यता इसी गुणग्राह्यता को अपने में समाहित कर जीवन यापन करती थी प्रकृति से जो लेती थी आवश्यकता अनुसार ही लेती थी और उसके प्रति एक कृतज्ञता का भाव सदा ही अंतस में रहता था यहाँ तक कि यदि किसी वृक्ष से कुछ लेना है तो उससे अनुमति लेकर ही उसका उपयोग करते थे तथा प्रकृति के उस वरदान को सदैव देवतुल्य मान कर विशेष तिथि पर कृतज्ञता व्याख्यापित करने हेतु पूजा आदि का आयोजन करते थे परंतु जब हम आज के मानव समूह को देखते हैं जो निरंतर विकास क्रम में एक तथाकथित सभ्य सामाजिक प्राणी बन अपने को अन्य जीव जगत से श्रेष्ठ समझ कर जीवन को निरंतर सुख की अंतर्निहित कामना के साथ जीता है अपने सुख तथा वर्चस्व की कामना पूर्ति के लिए सिर्फ प्रकृति का विदोहन करता है वह निरंतर नवीन शोधों के माध्यम से सिर्फ अपने सुख के साजो सामान जुटा रहा है जो वास्तव में सिर्फ दुख के आधार है वह यह भी नहीं सोचता कि जिस तन हेतु वह प्रकृति के प्रति इतना निष्ठुर है वह शरीर तो वास्तव में प्रकृति के पंच महाभूत से बना है छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा परंतु यह सिर्फ पुस्तकी ज्ञान तक सीमित हो गया है यह अंतर्निहित सुख की कामना उसके समस्त दुख एवं मानसिक व्यथा तथा मनोशारीरिक व्याधियों का कारण बनता है विश्व आज कितने संघर्षों से गुजर रहा है यह हम सभी अच्छी तरह समझते हैं चाहे वह यूक्रेन रूस युद्ध या गाजा इसराइल ईरान युद्ध एक तथ्य सदैव सभी संघर्षों में मिलता है कि विवाद उन्हीं से होता है जिससे कभी अपनापन रहा हो अर्थात दोनों पक्ष यदि एक दूसरे के प्रति अपनी नैतिक स्मृति को चेतन में लाकर संवाद करें तो संघर्ष विराम हो जाए विश्व पटल छोड़कर यदि हम अपने परिवार रिश्तेदार धर्म जाति विद्यालय कार्यालय आदि कहीं भी देखें या महसूस करें तो हम पाते हैं कि इन सभी में एक कारण अवश्य मिलेगा वह कृतज्ञता के भाव का अभाव हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी मानते हैं समाज का निर्माण हम मनुष्य ही करते हैं परंतु हम भूल जाते हैं कि मेरा स्वयं का अस्तित्व तो कुछ भी नहीं हमारा यह तन ज्ञान पद प्रतिष्ठा स्वास्थ्य भोजन पानी खुशी आदि सब कुछ जो है उसमें अनगिनत लोगों का योगदान एवं प्रकृति की अदृश्य ऊर्जा का सहयोग है जिसे हम पूर्णता विस्मृत कर स्वयं की उपलब्धि मानते हैं यदि हम वर्तमान में मिले सुख को सिर्फ विश्लेषित कर ले तो हम पाएंगे कि इसमें मेरा योगदान तो बहुत कम है वरन अन्य का योगदान कहीं मुझसे बहुत ज़्यादा अधिकारी कोई इसलिए है कि उसके अंतर्गत कार्य करने वाले उसकी आज्ञा मानने वाले और कर्म कर्मचारी यदि कोई है तो उसके कार्य की जिम्मेदारी लेने वाला उसे निर्देशित करने वाला कोई अधिकारी है यदि एक दूसरे के योगदान के प्रति कृतज्ञता का भाव आ जाए निश्चित रूप से वह व्यक्ति या समूह नौ ऊर्जा से भर स्वयं को तथा तो समाज को सही दिशा दे सकता है भारतीय समाज में कृतज्ञता ऋण भाव के रूप में अंत्यत अत्यंत व्यापक एवं परंपराओं में ऋण त्रय ऋषि ऋण देव देवऋण पितृण के रूप में प्रचलित है भारतीय संस्कारों से पोषित जितने भी देश समाज या धर्म है वह सभी भाव प्रधान है जहां अभिव्यक्ति से अधिक आंतरिक भावों से भरकर स्वयं के व्यवहार में उतारना और करना है पश्चिम संस्कारों में भी कृतज्ञता ज्ञापित करना एक प्रचलित व्यवहार है वह अट्ठाईस नवंबर को थैंक्स गिवी डे भी मनाते हैं परंतु एक तथ्य जो हमसे उन्हें पूर्णता अलग करता है वह यह कि पश्चिम के संस्कारों से पोषित सभ्यता प्रदर्शन आधारित है और हम भाव आधारित प्रदर्शन आधारित कृतज्ञता से भी शांति सौहार्द एवं प्रेम तथा विश्वास बढ़ता है लेकिन एक मुखे की तरह से इसको सरलता से अगर समझना तो पश्चिम में व्यक्तित्व के लिए पर्सनालिटी पर सोना अर्थात मुखौटा शब्द है और हमारे यहाँ व्यक्तित्व वर्तमान में वैश्वीकरण एवं अर्थ प्रधान आधारित समाज के अवधारणा के कारण सब कुछ व्यापार है सारे रिश्ते नाते परंपरा, धर्म ज्ञान बिक रहा है जिसके परिणाम स्वरूप सभी सदगुणी भाव मूल्य कहीं न कहीं सिर्फ शास्त्रों एवं परंपरा के माध्यम से जीवित हैं क्योंकि हमारे अंदर भाव का भाव हो चुका है वर्तमान में मानवीय संवेदना सौहार्द प्रेम रिश्ते करुणा रस सब कुछ पश्चिम के आकर्षण में लगभग समाप्त हो रहे हैं लेकिन यदि मानव समाज में कृतज्ञता के भाव को पुनर्जीवित कर सके तो संभवतः हम मानवता से ओत प्रोत एक मानव समाज की परिकल्पना को साकार कर सके यह कार्य दिवा स्वप्न सरीखा है परंतु तिब्बती संस्थान की मूल आत्मा जो पारंपरिक ज्ञान के पुनर्स्थापना की अवधारणा पर अवलंबित है जिसे हमारे ऋषि तुल्य माननीय कुलपति महोदय ने प्रातः स्मरणीय ऋषि श्रेष्ठ मनीषी विश्ववंदनीय विद्वान संस्थान के संस्थापक परम आदर प्रसर सामदौर इन पहुंचे जी की आशीर्वाद से वीजा रोपित करना चाहते हैं हमारे मानव मस्तिष्क में अक्सर दो प्रकार के स्मृतियों के विचार प्रवाहित होते हैं एक नकारात्मक दूसरा सकारात्मक या नैतिक एवं अनैतिक यदि हम जिस किसी भी घटना या व्यक्ति के प्रति आक्रोशित या अनैतिक हो रहे हैं यदि हम उसके द्वारा पूर्व में किए गए अच्छे व्यवहार को सिर्फ याद कर लें तो शायद बहुत कुछ बिगड़ने से बच जाए चाहे वह व्यक्ति हो समाज हो या देश हो कृतज्ञता के भाव को यदि आप परीक्षित करना चाहें तो आप जिस किसी से भी बहुत दुखी या आक्रोशित हैं उसके वर्तमान व्यवहार को थोड़ी देर के लिए अलग रख दें और उसके साथ बिताए उन लम्हों को याद करें जिसमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति थी उसके स्मृति मात्र ही आपके विचारों की दिशा बदल देंगे आप सकारात्मकता से ओतपुरोत हो जाएंगे कृतज्ञता की बगिया के कुछ पुष्प जिन्हें पुष्पित एवं पल्लवित कर हम स्वयं एवं समाज का हित कर सकते हैं कृतज्ञता को यदि हम समाज में अपने जीवन में या अपने जीवन में या समाज में अपना सके तो हम निश्चित रूप से सामाजिक मानसिक भावनात्मक आर्थिक पारिवारिक धार्मिक एवं विभिन्न आयामों में अत्यंत सकारात्मक परिणाम पा सकते हैं धन्यवाद डॉक्टर ए के राय सर ने बहुत ही व्यापक तौर पर और कृतज्ञता को परिभाषित किया और बताया और इस पूरी संगोष्ठी की परिकल्पना मान्य कुलपत महोदय के मार्गदर्शन में हुआ और मैं बड़े विनम्रता से मान्य कुलपत महोदय को आमंत्रित करता हूँ कि आप आवें अपने उद्बोधन से हम सभी को अभिशिंचित करें नमो तस् भगवतो हरह तो सम नमो तस् भगवतो हर हम मम नमो तस् भगवतो हर हतो सम्बुद्ध परम शरद गुरुवर प्रोफेसर संघोर बोचे जी तथा भिक्षु संघ एवं हमारे संस्थान के रजिस्ट्रार मैडम डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी तथा वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सभी प्राचार्यगण बाहर से हाँ महाबोधि अध मठाधीश भिक्षु जी और अन्य बाहर से आए विद्युतगण एवं मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं कृतज्ञता पर राय जी ने बहुत सुंदर ढंग से सरल भाषा में आप लोगों के सामने रखा और फिर विशेष रूप से आज हम यहाँ शरद गुरुवर समधौन रुमोचे जी का वक्तव्य को सुनने आए हैं मैं तो यहाँ पर हूँ ही हूँ प्राय जब कभी भी मिलता हूँ तो वो बोलते रहता हूँ तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे कहना नहीं है लेकिन फिर भी आज जब दुनिया मतस्य न आए जिसकी लाठी उसकी बैंस के कहावत का फॉलो कर रहे हैं और आज का समाज जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है वही सर्वश्रेष्ठ है ऐसा जब मान्यता प्राप्त करके उसका हम लोग अनुकरण कर रहे हैं ऐसे स्थिति में वास्तव में जो कृतज्ञता का महत्व है इस विषय पर चिंतन करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है ऐसा लगता है कृतज्ञता की भावना कैसे हम उत्पन्न करें कैसे हम इसको आत्मसात करें इस पर हमको थोड़ा चिंतन करना है प्राय मैं इसको आत्मसात करने का मैं व्यक्तिगत रूप से भी चेष्टा करता हूँ तो उस चीज को मैं आपके सामने रखने चाहता हूं जो मैं अपने अंदर कृतज्ञता की भावना पैदा हूं उसके लिए मैं क्या करता हूं अगर वो आपको अच्छा लगे तो आप लोग उसका अनुकरण करने का प्रयास करेंगे तो मैं कृतज्ञता के लिए सबसे पहले जब मैं सुबह उठता हूँ बिस्तर से बाहर निकलता हूं तो मैं अपने को करुणा के प्रतिमूर्ति अवलोकेश्वर की भावना करता हूँ मैं अपने को अपने प्रिमोडियल माइंड से अवलोकेतर अवलोकेतर के रूप में उत्थापित करता हूँ और उनके मंत्र को ओम मानिपे में हूँ जो सिक्स योनियों से के उद्धार के लिए जो मंत्र है उसको मैं रिसाइट करता हूँ लगभग 21 बार में अमन पे मैं हूँ अमन पे मैं हूँ को रिसाइट करता हूँ और प्रेयर करता हूँ कि आज दिन भर मुझे देखकर या मुझे आलम बना आलम्बन बनाकर किसी के अंदर राग द्वेष मोह की उत्पत्ति ना हो पैदा ना हो ये मैं भावना करता हूँ और उसी प्रकार आज दिन भर मैं किसी दूसरे के प्रति मेरे अंदर किसी प्रकार का राग द्वेष मोह उत्पन्न ना हो ऐसा करके मैं इक्कीस बार मंत्र को रिसाइट करता हूँ तो धीरे धीरे यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर दूसरे के प्रति करुणा की भाव दया स्नेह और प्रेम का भाव जो है अपने से जागृत होगा ऐसा मेरे को लगता है और करुणा मेत्री या दया की जब हम बात करते हैं उसमें भी मैं मानता हूँ कि कृतज्ञता का जो भाव है जो उपकार का भाव है जो ऋणी का भाव है अगर वो आपके अंदर उत्पन्न होता है तो आप निश्चित रूप से बहुत ही प्राणियों के प्रति संवेदनशील होंगे कभी कभी जब हम करुणा की बात करते हैं तो यद्यपि करुणा के भी दर्शन में बहुत गंभीर व्याख्याएं हैं भेद हैं लेकिन ऊपरी सतह पर जो सामान्य जन जब हम करुणा की बात करते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि उसमें अहम का भाव जैसा उत्पन्न होने लगता है ट्रिटी बेचारा दुखियारा जैसा करके उसके प्रति करुणा या उसके प्रति दया जैसा उसमें जो है अपने को थोड़ा सुपीरियर सा ये भाव जो है सामान्य रूप से उत्पन्न होता हुआ ऐसा जैसा मेरे को लगता है दया किसी के प्रति दया किसी के प्रति स्नेह जैसा करते हैं आपके पास जो है बल है शक्ति है उसको जो है आप जो है सहयोग कर सकते हैं ये भाव जैसा आता है उसमें अहंकार का भाव रहता है जैसा ऐसा प्रतीत होता है लेकिन जब हम कृतज्ञता ऋणी भाव ऋणी भाव में अहंकार नहीं रहता है आप दूसरे के समय सर झुकाते हैं दूसरे का ऋणी समझते हैं दूसरे को आप ज्यादा महत्व देते हैं मैं आपका ऋणी हूं आपका अहंकार नहीं रहता वहां पर रिनी में ऐसा जैसा मेरे को प्रतीत होता है तो ऋणी उत्पन्न करें ईश्वर तथागत बुद्ध का जो प्रतीत्य समुत्पाद का दर्शन है वो सर्वश्रेष्ठ दर्शन प्रतीत्य समुदा हम एक दूसरे पर निर्भर हैं हम एक दूसरे पर आधारित हैं दूसरे के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है इस चीज को हमको पूर्वक समझना है जानना है ये रियलिटी है ये काल्पनिक नहीं है ये वास्तविकता है हम एक दूसरे पर निर्भर हैं मैं प्राय बोलता हूँ हम देखे जब मैं मैं की बात करते हैं हम मेरा अस्तित्व को आप एक क्षण के लिए अगर इस हॉल में ऑक्सीजन नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आपका अस्तित्व कहाँ है क्या है क्या आप जीवित रह सकते हैं ये हमारी स्थिति है हमारा कोई अस्तित्व नहीं हम दूसरे पर इतना निर्भर हैं, तो वहीं मैं प्राय हर बार बोलते रहता हूं ये मेरे ख्याल से क्योंकि ये कठिन है इसको आत्मसात करना कठिन है इसके लिए मुझे पुनः पुनः रिपीट करना पड़ता है जैसे मैं ये देखता हूं जब तथागत बुद्ध प्राज्ञा पारमिता की देशना करते हैं तो हर पन्ने पर जो बाह्य शून्य अभियांत्र शून्य करके हर पेज में आते रहता है शन टाइप का होते रहता है क्यों क्योंकि वो कठिन है उसको समझना जो है कठिन है इसलिए उसको जो पुनः पुनः आवृत्ति करना पड़ता है ठीक उसी प्रकार आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि मैंने चाय के पाल प्याला जब आप पीते हैं क्योंकि हम सब ब्रेकफास्ट करते हैं प्रातःकाल हम सब ब्रेकफास्ट करते हैं चाय पीते हैं तो उसमें मैं आप लोगों से कहा करता था जब चाय का प्याला पीते हैं तो एक क्षण रुक करके उस चाय के इतिहास पर विचार करना चाहिए चिंतन करना चाहिए गौर करना चाहिए कि आपके टेबल पर ये चाय कहाँ से आया ये चाय पत्ती कहाँ से आई चाय पत्ती जो है चाय के बागान से करीब मस्तूर कितना कठिन परिश्रम करके धूप में बारिश में अपने बच्चे को बेचारा मजदूर पीठ पर बांध करके कठिन परिश्रम के साथ चाय की पत्ती को कलेक्ट करती है करता है उस चीज़ को हम अपने मस्तिष्क में उतारना चाहिए उस चीज़ को रियलाइज करना चाहिए उस प्रोसेस से जो है क्रमश हजारों लोगों के परिश्रम से आपके टेबल पर वो चाय का पत्ती पहुंचा है और उसे चाय बना इस चीज़ को समरण करना है वहीं दूध को लें वहीं चीनी को लें किन किन प्रोसेसों के चलते आप तक पहुंचा है आप जो खा रहे हैं आप जो पी रहे हैं जो आप पहने हैं ये सब चीज़ें कितने लोगों के परिश्रम से आप तक पहुंचा है इस चीज़ को समझना है यही कृतज्ञता की भावना करने का एक जो है आधार है हमको ऋणी भाव उनके प्रति ऋणी भाव पैदा करना चाहिए हम ऋणी हैं उनके जब रुककर आप इस प्रकार का भावना अपने अंदर जागृत करेंगे तो जब आप बाहर आएंगे समाज में गरीब मजदूर को देखेंगे तो उनके प्रति जो घृणा या नफरत या जो भाव है दूर रखने वो आपसे धीरे धीरे हटेगी उनके कठिन परिश्रम से हम इसलिए सच पूछे जाए ना मैं अपने ऑफिस में सबसे पहले धन्यवाद जो है जो अपने स्वीपर को देखता हूँ उसको दिल से धन्यवाद देता हूँ मैं उसको उसके चलते मेरा जो है ऑफिस बहुत सुंदर और साफ है फिर उसके बाद मैं केशव को देता हूँ क्योंकि वो मेरे टेबल और कुर्सी को सजा के रहता है उसके प्रति मेरे अंदर जो आत्मीयता का भाव उसको मैं सम्मान देता हूँ मैं कभी छोटा नहीं सोचता मैं अपने समकक्ष उसको समझता हूँ तो वहीं मैं बाहर देख करके जो टेलीवेज पर काम करते हैं उन सबको देख कर मैं वास्तव में बहुत द्रवित होता हूँ दुखी होता हूँ उन लोगों के चलते इतना सजा है सुंदर है ये इस कैंपस को तो ये भाव हमारे अंदर जागृत होनी चाहिए यही है कृतज्ञता का भाव जागृत कर अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका व्यवहार जो है बहुत जमीनी होगा उसमें शांति भी मिलेगी कहीं किसी कि प्रकार का जो है द्वंद या संघर्ष या दूरी नहीं रहेगी अपनापन रहेगा अपना मन रहेगा तो समाज में सौहार्द आएगी ऐसा मैं मानता हूँ ऐसा करने का हम लोगों को जो है प्रयास करना चाहिए दूसरों के चलते ही हमारा अस्तित्व है इस चीज़ को हमको मान है और जैसे कि मैं तो प्राय कहता ही हूँ अध्यापकों से कहता हूँ आपको अध्यापक इसलिए कहा गया क्योंकि आप लोग इन छात्रों को पढ़ाते हैं छात्रों के चलते आपका अध्यापकपन है अगर ये छात्र नहीं है तो आप कैसे आप अपने को लेक्चरर कहलाएंगे इनकी कृपा से है इनकी कृपा से अधिकारी हों तो कर्मचारियों के चलते हैं ना इस चीज को हमको सुनना है सबको समानता का पाव सब जो परिश्रम कर रहे हैं उस परिश्रम का कीमत हमको जो है देना है विडंबना यह है कि दुनिया का है पता नहीं क्या है Jira, जो कम काम करते हैं वो ज़्यादा पाते हैं जो ज़्यादा काम करते हैं वो कम पाते हैं ये ये विडम्बना है इसलिए कभी कभी मैं जब संसार का परिभाषा करता हूँ तो मेरा संसार का परिभाषा मुझे यह है मेरा संसार का परिभाषा लोग सच्चाई को पसंद करते हैं सब लोग सच्चाई का प्रशंसा करते हैं सच्चाई को पसंद करते हैं लेकिन कोई भी व्यक्ति है, अपने ऊपर अगर सच्चा बात बा, कहें उसको बर्दाश्त नहीं करता है स्वीकारेगा नहीं सच्चाई को पसंद तो करते हैं लेकिन सच्चा बात जब हम कहते हैं तो उसको कोई पसंद नहीं करता है ये भी विडम्बना है ये वैसा ही जैसा लगता है जैसे हम नागदेव को पूजा तो करते हैं नागदेव हमारे अगर जो है बिस्तर पर आया तो भगा देंगे फेंक देंगे लगभग लगभग लग, लग, हम हमारा जो है वैसा ही है तो हमको अगर कोई कहता है कमेंट करता है तो तुरंत अंतर्मुखी होकर हमको सोचना चाहिए ये, ये व्यक्ति जो मुझे अब गाली दे रहा या निंदा तो नहीं कहें यदि कुछ कठोर शब्दों से यदि अगर कोई बोल रहा है तो उस पर तुरंत ये अंतर्मुखी होकर हो सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा कर रहा है क्या मेरे अंदर कमी है कमी की वजह से बोल रहा है या फिर किस वजह से तो अगर अंदर मुखी हो करके के देखेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति अनावश्यक किसी को जो भी कठोर वचन नहीं बोलेगा प्राय होता क्या है हम समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं लेकिन अंदरमुखी होकर के देखते नहीं जो भी हो मैं आप लोगों से यही निवेदन करने चाहूँगा कि अंतर्मुखी होइए विश्लेषण कीजिए अपने व्यवहार को हम जैसा जैसा विचार करते हैं वैसा वैसा हम बनते हैं क्योंकि यहाँ पर इनहरण या कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है सभी हेतु और प्रत्यय से उत्पन्न होने के नाते जैसा आप भाव उत्पन्न अपने अंदर उत्पन्न करेंगे वैसा वैसा आप होंगे तो अच्छा विचार लाना चाहिए तो अच्छा विचार लाएंगे तो आप जो है अच्छा होंगे इसमें दोहराया नहीं है इसमें दोहराया नहीं है एक जगह पर शांत ये आचार्य शांत शांति देव जी कहते हैं एक व्यक्ति एक योद्धा युद्ध के मैदान में जब लड़ता है तो उसके शरीर में जो है एक प्रकार से तीर तीर के द्वारा जो है वो अपने शरीर से खून से लत होता देखता है तो उसमें और ज्यादा साहस पैदा होता है और वो अपने शत्रु पर जो है टूट पड़ता है जबकि वो घायल स्थिति में है लेकिन उसके अंदर कौर है, साहस है और उसका साहस अपनी दयनीय दशा को देख करके और वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है वहीं पर एक व्यक्ति है जो दूसरे के शरीर से निकलता हुआ खून को देख करके यहां मूर्छित हो जाता है ये क्या है चित्त का लेवल है चित्त की स्तः है जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आपका चित्त वैसा वैसा होते जाएगा यद्यपि थोड़ा लंबा हो जाएगा एक स्टोरी मैं सुनाने चाहता हूँ तथागत बुद्ध के समय में है शरावस्ती में बुद्ध जो है एक भिक्षु को जो है किसी दूर दराज में भेजने चाहते थे वहाँ के लोग बहुत ही असभ्य खूंखार टाइप के लोग थे तो वहाँ किसी एक सतवीर को भेजना चाहते थे तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि मैं वहाँ पर धर्म प्रवर्तन के लिए धर्म के उपदेश के लिए उपदेश देने के लिए मैं किसी एक सत्वीर को भेजने चाहता हूँ आप में से अगर कोई हो तो फिर हाथ उठाइए या जो प्रश्न करते हैं तो उसमें सतवीर जो है फिर हाथ उठाते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा तब बुद्ध कहते हैं कि ठीक है अगर आप जाएंगे तो मैं आपसे तीन प्रश्न पूछने चाहूँगा यदि आप उसका उत्तर जो है दे सकेंगे तब मैं आपको अनुमति दूंगा तो पहला प्रश्न वो कहते हैं कि मैंने कहा न वो इलाका जो है वो क्षेत्र जो है उसमें जो है बहुत असभ्य लोग खुंखार लोग रहते हैं जब तुम वहाँ प्रवेश करोगे तो लोग तुम पर थूकेंगे और गाली क्लौच करेंगे निंदा करेंगे तो तुम क्या करोगे तो भिक्षु सतवीर कहते हैं नहीं ये तो इनका स्वभाव है थूकना या निंदा करना या गाली देना तो इनका स्वभाव ये तो कुछ नहीं है उसको तो मैं स्वीकार करूँ ये तो चाहें तो मुझे लाठी डंडा से मेरा हाथ पैर भी तोड़ सकते हैं तो ये तो कम से कम सिर्फ हमको जो है गाली ही दे रहे हैं इसलिए मेरा क्या मैं इसको जेल लूँगा तो ये कहते हैं पहला फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न तथागत बुद्ध उनसे पूछते हैं यदि कोई तुमको डंडा मार रहेगा तुम्हारा टांग तोड़ दे हाथ तोड़ दे सिर फोड़ दे तो क्या करोगे फिर सतवीर कहते हैं ये लोग तो ऐसे लोग हैं जान लेते हैं अभी मेरा जान तो कोई लिया नहीं है सिर्फ मेरा हाथ ही तोड़ा है पैर ही तोड़ा है इसमें क्या उसको मैं सहारा स्वकाूँगा करके वो जवाब देते हैं तो फिर उस सेकंड में भी पास होते हैं। फिर तीसरा अगर यदि वो लोग तुम्हें महार ही दें तो क्या करोगे तो फिर वो उत्तर देते हैं कि मैं अनंत कल्पों में कई बार जन्मा मरा जन्म हुआ मृत्यु हुआ जन्म हुआ, हुआ मृत्यु हुआ यदि उन सब शरीर के हड्डियों को एकत्रित करे तो वो माउंट मेरू से भी ऊपर हुआ होगा और अपने सगे संबंधियों के वियोग पर जो मैंने आंसू बहा उसको अगर संकलित करूंगा, एकत्रित करूंगा तो वो एक प्रकार से बहुत बड़ा झील भर होगा वो सब अनर्थ बे मतलब का मैं ए, उ, 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 हुआ लेकिन अभी जो मेरा जीवन है वो धर्म के सत्य के रास्ता पर चलाने के लिए मैं अपने को समर्पित कर रहा हूँ तो उससे धन्य क्या होगा मेरा जीवन जो है मीनिंगफुल लगाएगा आनंद कल्पों में महाराज जिया मैंने क्या पढ़ाया कुछ नहीं तो लेकिन अभी जो का जीवन है वो जो है मैं अपने को भाग्यवान समझूंगा करके वो उत्तर देते हैं सत्वीरपुरन तथागत बुद्ध कहते हैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जिसके अंदर इस प्रकार का भाव है तो कौन क्या कर सकता है तो फिर वो जाते इसी प्रकार मेरा कहना यह है कि ये सब चित्त की अवस्था है काल्पनिक नहीं है प्रयास करना चाहिए अगर आप प्रयास करेंगे आपने इतिहास में देखा है सरदार भगत सिंह जैसा वो फांसी के फंदे पर चढ़ते हुए भी गीत गाता है चढ़ दे बदसंधि करके और प्रेयर करता है कि ने, मेरा नेक्स्ट लाइफ पे इसी भारत भूमि पर हो करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ करके के देश को स्वतंत्र दिलाऊं यह है मन की मन की शक्ति ये हमको जो है क्या है प्रयास करना है यदि आपको कृतज्ञता की भावना या करुणा की भावना अच्छा लगता है तो इसको प्रयास करना चाहिए बिना प्रयास के तो कोई पैदा नहीं होता संभव नहीं है आपको प्रयास करना है प्रयास करना चाहिए इन शब्दों के साथ यदि आप लोग बहुत कठिन वाला नहीं जो मैंने प्रारंभ में कहा सुबह बिस्तरा से उठते समय जिस किसी का भी मंत्र रिसाइट करें कर लीजिए आपकी इच्छा है उस मंत्र को रिसाइट करते हुए ये तो कम से कम प्रेयर करें कि आज मैं किसी भी व्यक्ति का दुख का कारण न बनूं, राग द्वेष मोह उत्पन्न करने का कारण न बनूं, और मेरे अंदर जो है किसी प्रकार का स्वार्थ से प्रेरित होकर के राग द्वेष उत्पन्न न हो इस भाव को आप अपने अंदर पैदा करने का अगर प्रयास करेंगे तो धीरे 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 संस, धीरे संस्कार चित्त में रोपित होगा और वो जो है शरीर और वाणी और शरीर और वाणी के माध्यम से प्रकट भी होगा इन्हीं शब्दों के साथ आ, मैं रिमपोची जी आप बता रहे हैं हम लोगों का रिक्वेस्ट को सुनकर तो उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ रिमोची जी धन्यवाद इस महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हैं सर हम सब सर ने कहा कि हम अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करें और हमारी कथनीय करनी मंत्र न हो तो हम अपने समाज और राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं सर के पूरे वक्तव्य को मैं दो पंक्ति में कहना चाहूँ तो कह सकता हूँ दुख सबको तोड़ता है दुख सबको तोड़ता है तुम दुख को तोड़ दो अपनी आँखों को दूसरों के सपने से जोड़ दो हम सब जिनको सुनने के लिए आज यहाँ बैठे हैं यह एक गौरवशाली क्षण है माननीय रिमपोछे जी जब इस संस्थान की परिकल्पना किया और यह उनकी तपस्या का फल है कि आज यहाँ ज्ञान की अविरल धारा प्रभावित हो रही है मैं आपके सामने कुछ बोलने का मतलब मेरा है कि मैं सूर्य को दीपक दिखा रहा हूँ लेकिन फिर भी सर पूरा यह विश्वविद्यालय परिवार आपके प्रति कृतज्ञ है आभारी है सर क्योंकि आप हमारे अभिभावक हैं संरक्षक हैं बिना आपके आशीर्वचन से कोई भी कार्यक्रम हमारा सफल नहीं है मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने आशीर्वचन से हम सभी को अभिसिंचित करें परम सत्य रिम्पोछे जी विद्युत कल्पना जलम गंभीर उदर मृदय समंतर त्रिशे <coughs> सभा घर में उपस्थित है माननीय कुलपति महोदय एवं पूज्य भिक्षु संघ संस्था के कुल सचिव औरों की सभी सहयोगी कार्यकर्ता आचार्य वृंद एवं स्नेह पात्र छात्राएं और छात्र आकस्मिक रूप से सारनाथ प्रवास करने का एक अवसर आया और इस समय दो कठिन कार्य सौंपा गया अभिधमा कोष की संगोष्ठी का उद्घाटन करना और समापन करना कृतज्ञता पर राष्ट्रीय संगोष्ठी की मुख्य के रूप में कुछ विचार प्रस्तुत करना ये दोनों मेरे लिए बहुत कठिन काम थे फिर भी जिस कार्य के लिए यहाँ आहूत की गई हैं तो उसको किसी तरह से निभाना तो पड़ेगा ही सारा छूटे चौबीस बरस हो गए हैं तो उस बीच में हिंदी भाषा से भी छूट गए धर्मशाला में हिंदी का बहुत प्रचलन नहीं थे तो इसलिए पहले वाराणसी में रहते थे तो कुछ त्रुटिपूर्ण हिंदी बोल लेते थे और अधिकांश में बोल गया हूँ तो इसलिए भाषा की भी कठिनाई हैं फिर भी कुछ प्यार्स करके दो चार शब्द जोड़ लेंगे ऐसा मैंने सोचा था लेकिन उसका भी एक और कठिनाई अभी यहाँ उत्पन्न हुआ है जो कुछ कहने सोने लायक थे वो वक्ता उन्हें विस्तार से कह दिया गया है तो इसलिए अब मेरे लिए कुछ बचा नहीं जो कुछ कहेगा वो अप्रासंगिक होने की, की संभावनाएं ज़्यादा रहते हैं श्री राय जी ने और कुपति जी ने इस विषय के ऊपर गंभीर एवं विस्तार जो प्रकाश डाला है उसके अतिरिक्त और कुछ कहने की ना तो वस्तु हैं ना ही आवश्यकता है या उसका पुनर्वृत्ति करने में भी कोई उपयोगी नहीं है तो इसलिए मैं अपने वक्तव्य को बहुत ही संक्षिप्त कर सकूँगा ऐसा मुझे लगता है जो शब्द इस गोष्ठी के लिए चुना किया है कृतज्ञता का महत्व वो भी समाज में इस वाक्य रचने में समाज कृतज्ञता और महत्व तीन शब्द से बने हैं तो तीनों के अर्थ परिभाषित करना और वो तीनों को जोर करके क्या अर्थ निकलते हैं इस पर विचार करना आवश्यक होंगे ऐसा मुझे प्रतीत होता है समाज का विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं इस जगत में हो चुके हैं और अभी भी होते रहेंगे आगे भी होते रहेंगे अपने अपने दृष्टिकोण से समाज की परिभाषा करते हैं न केवल परिभाषा करते हैं अभी तो समाज की परिस्थिति भी समय समय पर मूल चूल परिवर्तन होता रहता है जो आज से पाँच हजार वर्ष पहले ढाई हजार वर्ष पहले समाज की परिभाषा थे वो तो संभवतः आज समाज की परिभाषा नहीं है परन्तु संक्षेप रूप में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जीवदारी या सत्व थोड़ा बहुत अंतर से सभी सामाजिक प्राणी होते हैं मनुष्य भी सामाजिक प्राणी हैं पश्चात वाला तो इसको बहुत बदे शब्दों से कहते हैं कि मनुष्य सोशल एनिमल हैं मुझे पता नहीं इसको एनिमल कहने की कि आवश्यकता क्या पड़ा सोशल बीइंग सोशल लिविंग बीइंग बहुत कुछ कहा जा सकता था लेकिन प्रचलित शब्द में सोशल एनिमल, एनिमल कहते हैं क्योंकि मनुष्य में भी कहीं न कहीं पशुत्व की चितवृत्ति या चित्रवृत्ति की वासना रह जाते हैं तो इसलिए कहते होंगे परंतु समाज और बेबार में रहने वाले एकत्रित रहने वाले मनुष्य या समाज में रहने वाले मनुष्य में क्या अंतर है उसका अंतर मात्र इस आधार पर निर्धारित कर सकेंगे कि ऊके परस्पर संबंध क्या है संबंध मात्र प्रतीत समुत्पन्न होने की जो संबंध हैं, वही सभी संबंधों की आधार हैं पूर्व ने इस पर प्रकाश डाले हैं कि सभी सत्व सभी जीवधारी कितना परस्पर आधारित हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं जिसके अभाव में एक समय की जीवन व्यतीत करना संभव नहीं है एक कुशल और समय की जीवन व्यतीत करने के लिए सभी संबंधित त्वाओं के बीच में एक संतुलित और समाहित संबंध की आवश्यकता होता है और इस संबंध को बिना कोई क्षति की समय के रूप से कैसा संरक्षित किया जा सकता है वह संबंध में रहने वाले लोगों के हृदय में कितना कृतज्ञता की भावना हैं जो हमारे हित के लिए उपकारकारा के लोग हैं उसके प्रति हमें कितना कृतज्ञता की भावना है इस पर निर्भर करता है तो समाज के संबंध जिस सतर पर जिस गुणत्मक के रूप में बनते हैं बिगड़ते हैं वो उपकार की ऋण को कितना हम अनुभूति कर सकते हैं कितना उस भाव को हम अपने अपने हृदय में ला सकते हैं इस पर बहुत बड़ा निभर है तो इसलिए कृतिकता के भावना समाज में महत्व तो क्या है ये देखने से पहले समाज की संरचना में समाज के सृजन में इसकी अनिवार्यता कितना है वह देखने से महत्व अपने आप स्थापित हो जाएंगे एक बार समाज के संरचना सृजित होने के बाद भी वो समाज समता के रूप में सद्भावना के रूप में और बिना कोई संघर्ष के जिस समाज की संरचना है उसको संरच रचना सुरक्षित रखने भी रखने के लिए भी कृतज्ञता का भावना एक आधार बनते हैं तो इसलिए समाज की संरचना समाज की निरंतरता समाज की स्थिरता को सुरक्षित करने में ये तीनों में एक कृतज्ञता का भावना अपरिहर्य है जिसके बिना बनते नहीं है ये इसके अपरिहरता इसकी आवश्यकता जब आप समय के ढंग से देखेंगे तो महत्व के लिए कोई विशेष दूसरा हेतु खोजने की आवश्यकता नहीं होंगे, ये स्वसिद्ध हो जाएगा स्वतः सिद्ध हो जाएगा इसलिए बुद्धित उत्पादन की प्रक्रिया में महान बौद्ध धर्म की परंपरा में दो परंपरा आते हैं सप्तः हितफल उपदेश और स्वपर परिवर्तन के उपदेश सप्त हित उपदेश में प्रथम है मंत्र ज्ञान द्वितीय है परिग्रह समित और तृतीय है तीसरा है कृतज्ञता कृतज्ञ तो ये तीन जब भावनाएं और चित्त उत्पन्न होगा तभी सही माने में मैत्री और करुणा की भावना उदय हो सकता है तो इसलिए आध्यात्मिक साधना में भी इस भावना को अत्यंत महत्व दी गई है जो जिनके माध्यम से हमारा अस्तित्व बने हुए हैं हम सब कुछ कर पा रहे हैं उनकी उपकार को हम कैसे प्रतिग्रह करते हैं रैनी होते हैं इसके चित्त उत्पाद करना बुद्ध मार्ग में प्रवेश करने के लिए अनिवार्यता दर्शाया गया है वो है भी इस भावना को समय के ढंग से उत्पादन करने के लिए चित शोधन करने के लिए चित अभ्यास करने के लिए प्रथम श्री के रूप में उपेक्षा भावना की या समता भावना की उपेक्षा आजकल कोई दूसरे अर्थ के लिए भी उपयोग होते हैं तो इसलिए कभी कभी वो गृतवें में हो जाता है यहाँ पर उपेक्षा की अर्थ हैं समता की भावना जितना भी सत्व हैं वो अपने दृष्टि से करेंगे तो उसमें कोई अंतर नहीं होगा सब एक ही जैसे होंगे जब तक समता की भावना ठीक ढंग से हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक के पतिग्रह समित की समरण और कृतज्ञता की भावना उत्पन्न होना कठिन है कुलपति महोदया ने अपने अनुभव से कहा कि उनकी चित्त में समता की भावना है हम कभी कई जगह जगह पर जाते हैं बहुत लोग होते हैं तो उसमें से तीन आदमी जो हमारा दृष्टिगोचर होता है एक के प्रति स्नेह की भावना उत्पन्न होता है दूसरे के प्रति दूर की या क्रोध की भावना आते हैं और तीसरे के प्रति कुछ भी नहीं एकदम निग्लेक्ट करने की भावना आते हैं तो वो तात्कालिक रूप से जो हमारे संबंध जिनके प्रति हैं यही की जीवन में वो भी तात्कालिक रूप से कुछ वर्षों में कुछ महीनों में जो तात्कालिक समय बीता है उसमें हम लोगों की परस्पर संबंध किया हुआ है या वार्तालाप या आदान प्रदान क्या हुआ है उस पर आधारित होते हैं जो किसके साथ मनमुटाव हैं उसको देखते ही द्वेष भावना उत्पन्न होता है जिनके साथ निकटपन है उसको देखते ही राग भावना उत्पन्न होता है और जिसकी जान पहचान बिल्कुल नहीं है पहले बार देख रहे हैं उसके प्रति उपेक्षा की या निगलेशन की छोड़ देने की भावना होते हैं तीनों सत्व होना बराबर है और वो जिस प्रकार की प्राणी हैं जैसा हम हैं वो बाकी तीनों भी उसी प्रकार की प्राणी हैं लेकिन कुछ तात्कालिक कारणों से हम उसको तीन प्रकार की वेद उत्पन्न करते हैं वो वेद जो है वो सत्य पर आधारित नहीं होता है वो हितों प्रतियों की ऊपर आधारित होता है तो जिसको तार्किक दृष्टि से विश्लेषण करने पर जो इस समय निकटतम मित्र हैं वो पूर्व जन्मों में या पूर्व जन्म नहीं मानते हैं तो कोई दूसरा समय में हमारा शत्रु भी हुआ होगा हो सकते हैं होने की संभावना है या भविष्य में भी हो सकते हैं जो शत्रु हैं वो कभी भी मित्र हो सकते हैं शत्रु मित्र या अनजान तीनों के स्वभाव अपने प्रकृति की दृष्टि से उत्पन्न नहीं हुआ है वो कुछ घटनाओं पर आधारित ये उत्पन्न हुआ है और सो उन घटना की जैसे घटना भविष्य में भी कभी भी घट सकते हैं तो इसलिए मित्र शत्रु बाने में कोई देर लगेगा नहीं शत्रु मित्र बनने में भी कोई देर लगेगा नहीं अनजान व्यक्ति शत्रु बाने में मित्र बने में दोनों की संभावना रखते हैं तो इसलिए इन सब के प्रति समता की भावना जब तक उत्पन्न नहीं होंगे तब तक के प्रतिग्रह सीमित और कृतज्ञ कृतज्ञता ये दोनों की भावना उत्पन्न कर सकेंगे इसकी संभावना बहुत कम रह जाता है तो इसलिए बुच्चित उत्पाद करने की प्रक्रिया में अगर आप सप्त हितुफल उपदेश की अनुकूल चलना हो सबसे पहले समता की भावना उत्पन्न करना होगा उसके बाद मातृ ज्ञान की भावना उत्पन्न करना होगा मातृ ज्ञान पूर्व अपर जन्म के सिद्धांत को मानते हुए इस बात की संभावना बनते हैं भारतीय दर्शनों में लोकायत को छोड़ करके चार को छोड़ करके कोई भी दर्शन ऐसा नहीं है जो निरंतरता भाव पूर्व अपर जन्मों की सिद्धांत नहीं मानते हो ये भारतीय आजकल कोई लुकायत की सिद्धांत की साथ जाने वाला कोई पश्चिम भारतीय परंपरा तो बचे नहीं जो नए नह, लोग से नए दृष्टि से जो मानने वाले हैं वो तो उनकी आधार कोई दूसरा है मन और शरीर चित्त और बौद्धिक शरीर ये दोनों की वेद नहीं जाने वाले जिसको कहा जा सकता है आधुनिक साइंस वाले या आधुनिक जो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट वगैरह है उसको छोड़कर कर की भारतीय परंपरा में संपूर्ण शेष दर्शन की जो परंपरा है वो चित्त संतत को या तो आत्मा के रूप में या चित्त संतत के रूप में निरंतरता की सिद्धांत को मानते हैं जो निरंतरता के सिद्धांत मानते हैं तो पूर्व जन्मों की कोई अंत नहीं है कोई संख्या नहीं है अपर जन्मों की भी कोई संख्या नहीं है कोई अंत नहीं है जब तक के निर्वाण प्राप्त नहीं होंगे हम जन्म लेते रहेंगे इसलिए समस्त सत्व कभी न कभी अपने माँ के रूप में उत्पन्न हुआ होगा ये अनुमा प्रमाण के माध्यम से सिद्ध करते हैं तो इसलिए पहले सब कभी न कभी माँ रहा होगा इस भावना को उत्पन्न करते हैं तो जब भी माँ या निकट संबंध रहे होंगे तो उनकी प्रतिग्रह उपकार हमने अनंत उपकार उनसे प्राप्त किया है तो उसके लिए कृतज्ञ का भावना होना चाहिए तो ये कृतज्ञ भावना होगा तब मैत्री की भावना बिना कोई विशेष प्रयास की सेज रूप से उत्पन्न किया जा सकता है जब मैत्री की भावना होंगे, तो जब हमको दुखी देखेंगे तो करुणा की भावना भी अपना होगा जो मैत्री और करुणा की भावना प्रबल होगा तो उनकी दुख हटाने की समस्त सत्वों के दुख हटाने की समस्त सत्वों को सुख दिलाने की दायित्व हैं वो मेरे ऊपर हैं मैं उसको करूँगा इस प्रकार से जो संकल्प लेते हैं उसको अध्याशय के नाम से कहा गया है अध्याशय जब होगा तब जब तक कि समस्त सत्वों की सुख उत्पादन निवारण करने की क्षमता हमको नहीं है तो इसलिए उसके लिए बुधत्व तो प्राप्त करना होगा बुधत्व तो प्राप्त करने की जो संकल्प है उसको बुद्धचित कहा जाता है सो बुद्धित उत्पादन के लिए कृतज्ञता भावना एक महत्वपूर्ण कर्म है धार्मिक दृष्टि से देखा जाए अब ये धार्मिक दृष्टि को छोड़ दें जो नेतंत लोकों की दृष्टि से देखा जाए क्योंकि समाज का शब्द आया है समाज का संतुलित व्यवहार और संस्कार उत्पन्न करने के लिए और उसको संरक्षित करने के लिए दोनों कार्य में कृतज्ञता की भावना बहुत महत्वपूर्ण अपने योगदान अदा करते हैं परंपरा और आधुनिक ये दो चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं आधुनिक बड़ ज़्यादा प्रचलित शब्द हैं गांधी जी ने तो सभ्यता को ही आधुनिक मान लिया हिंदू स्वराज में जो सभ्यताओं की निंदा किया गया है वह प्राचीन सभित या भारतीय सभ्य की बात नहीं केवल आधुनिक पश्चात जिसको मैं सभ्यता करने में थोड़ा असुविधा अनुभव करता हूँ आधुनिकता कहना ज़्यादा ठीक रहेगा तो उस आधुनिकता में आज जो संपूर्ण जगत जूझ रहे हैं जिसके कारण अनेक चुनौतियाँ हमारे सामने हैं उन सब से जूझने के लिए भी संपूर्ण संपूर्ण सत्वाओं की अगर संपूर्ण सत्वाओं की परिकल्पना ठीक से नहीं बैठते हो संपूर्ण मानव मात्र की प्रति कृतज्ञता की भावना की कमी के कारण आज जो आधुनिकता की चुनौतियां हैं इन चुनौतियों में सबसे बड़ा चुनौती है पर्यावरण के प्रदूषण पृथ्वी के गर्मी की वृद्धि होना और दूसरा है हिंसा की वृद्धि युद्ध युद्ध की संभावनाएं और संघर्ष आतंकवाद इत्यादि की जो चुनौतियां हैं और मौसम की परिवर्तन क्लाइमेट चेंज गरीब और अमीर के बीच में खाई विधि खाई का विधि होना जितना भी प्रयास तथाकथित प्रयास गरीबी हटाने की जो होता है उससे गरीबों को गरीबी हटाने की जगह पर गरीबों को हटाने की प्रक्रिया ज़्यादा हो जाता है ये सब आदमी के समस्याएं हैं उन सब का कारण क्या है मूल कारण क्या है उन सब का मूल कारण है मनुष्य के व्यवहार में कुछ बुनियादी परिवर्तन परंपरा में जो थे वो में आ नहीं पाए उसमें उल्टा हो गए उसका बाद आने के विवरण हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसके और मैं आपकी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ परंपरा में व्यक्ति और समाज में समाज को ज़्यादा महत्व दिया जाता था व्यक्ति को कम महत्व देते थे समाज को व्यक्ति की देखभाल करने के दायित्व तो, तो होते थे लेकिन जब समाज के हित के लिए व्यक्ति के हित को बलिदान करना पड़े तो वो करना अनुचित नहीं समझते थे समाज और व्यक्ति में समता थे समता की समता की भी समता से भी और भर करके समाज को व्यक्ति से ज़्यादा महत्व तो दिया जाता था उसी प्रकार से स्वर पर स्वर पर में समता थी परंपरा में और जब आवश्यकता पड़े तो परहित के लिए स्वहित को स्वार्थ को बलिदान करना बेहतर समझते थे शरीर और मन ये दोनों में भी समता थे और आवश्यकता पड़े तो मन की शांति के लिए ज़्यादा महत्व दिया जाता था शरीर की सुख सुविधा कहीं कटौती करना पड़े तो किया जाता था अधिकार और कर्तव्य कर्तव्य से अधिकार मिलते थे जब कर्तव्य पालन करेंगे तो अधिकार कहीं छूटने की संभावना नहीं होते थे तो इसलिए कर्तव्य को महत्व तो देते थे परंपरा में अधिकार उसके फलस्वरूप में स्वतः सिद्ध समझ, समझते थे आज उस भी उल्टा हो गया है अधिकार लड़ की प्राप्त करना और कर्तव्य करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं समझना कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं तथा कथित संयुक्त राष्ट्र की दस्तावेजों को देखें उसमें मानवाधिकार की सर्वौन घोषणा है मानव कर्तव्य की कोई भी घोषणा नहीं है और परंपरा में समाज के हित के लिए सहयोग को महत्व दिया जाता था और स्पर्धा सही नहीं समझा जाते थे जहाँ तक हो सके उसको काम करने की प्रयास करते थे आज सहयोग की जगह संपर्दा ने प्रतिस्पर्धा ने ले दिया ले लिया है तो संघर्ष ले लिया है कहीं पर भी कोऑपरेशन की जगह कंपटीशन, कंपटीशन एक मनुष्य के सेज कार्य के रूप में मान लिया है बचपन से लेकर के मरते दम तक सारे जीवन एक प्रकार से संतुलन तो एक प्रकार से कंपटीशन की रूप में बाई बाई में हो कहीं पर भी ये हो गया है तो इसलिए कॉपरेशन की या सहयोग की संभावनाओं को कम कर दिया है इन सब से मूल रूप में क्या हुआ है मनुष्य प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करता हुआ करता था और प्रकृति के संसाधनों को समय के ढंग से उपयोग करना समस्त सत्वों की एक प्रकार से अधिकार हैं परंतु आज आधुनिक जीवन पद्धत ने मनुष्य को उपयोगकर्ता में नहीं रखा उपभोगकर्ता में कर दिया यूज़र टू कंज्यूमर पहले यूज़र थे आज कंज्यूमर हो गया है तो एक कमजूमर के रूप में उपभोक्ता के रूप में किसी का भी कृतज्ञता भावना ठीक से उत्पादित करना अपने चित्त में अपने मन में बहुत कठिन हो गया है हर चीज लड़ करके अपने अधिकार जता करके समय और असमय के उपायों से माध्यम से प्राप्त कर लेना और प्राप्त करने के बाद जितना भी अधिक से अधिक हम उपभोग कर सकें वह मनुष्य की सहजता या अधिकार या वो सही ढंग में हमने मान लिया है तो इस परिस्थिति को अब संपूर्ण माना मात्र आने वाली चुनौतियों से जूझ रहे हैं और आने वाले चुनौती विशेष रूप से पर्यावरण के प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज इन सब की कोई प्रतिकार या इनको समान समान करने के लिए इनसे जूझने के लिए कोई उपाय हमारे पास बचे नहीं हैं और इसके अतिरिक्त जो हिंसा को युद्ध को एक व्यापार बना दिया गया है मनुष्य की या सभी जीव जंतुओं की प्राण जाना कोई गलत काम नहीं है उस प्राण को लेने के लिए उत्पादित अस्त्र शस्त्र की उपभोग करना कमजोम करना वो ज़्यादा श्रेष्ठ हो गया है दुनिया में जो युद्ध हो रहे हैं युद्ध की संभावनाएं बन रही हैं युद्ध की चुनौतियां दिखाई दे रही हैं इस सब कोई कारण नहीं है अकारण ही है आकार निधांत रूप से आकार तो नहीं बना जा सकते उसका कोई जस्टिफाइड कारण नहीं है नैतिकता से या सत्यता से स्थापित कर सकने वाले कोई कारण नहीं है केवल उत्पादित शास्त्रों की अस्त्र की कमजूम करना उपभोग करना जिससे उनके बाजार बने रहना ये उसके सीधे एक प्रकार से कारण बने हैं या उद्देश्य बने हैं तो ये क्या दर्शाते हैं ये दर्शाते हैं कि मनुष्य किसकी भी प्रति अपने दायित्व के बोध नहीं हैं और जिनकी रहने से जिनके उपकार से हम जीवित हैं हमारे उपस्थित हैं इसकी भावना समाप्त हो गए हैं इस भावना को जब तक पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा तो इस दुनिया में शांति की बराबरी की या न्याय की कोई भी उम्मीद करना बहुत कठिन हो गया है तो इसलिए जैसा प्रवक्ता ने बहुत विस्तार से प्रस्तुत किया है कि कृतज्ञता की भावना और जिसके बिना जिसके उपकार के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है हमारे अस्तित्व और हमारे सभी हित स्वहित परहित जितना भी हैं सामाजिक हित या व्यक्तिक हित समस्त प्रति की सिद्धांत के आधार पर हम एक दूसरे से संबंधित हैं संबंध केवल एक मैत्री और करुणा की भावना के आधारित पर ही संबंध बन सकते हैं द्वेष क्रोध या प्रतिशोध की भावना से कोई समय के संबंध नहीं बन सकते हैं और जाने आ जाने में इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जो उपकार हम प्राप्त करते हैं अन्य सत्वों से जीवों से और प्रकृति से जिसकी सही सही जानकारी जिसको नहीं होगा या जानकारी होना नहीं चाहते हैं होने नहीं देते हैं आज की शीशा की पद्धति भी ऐसा ही है यथास्थित को यथार्थ को लोगों से छिपाए जाने के प्रयास करते हैं लोगों में प्रकट ना हो इसके प्रयास करते हैं कुलपति जी ने कहा कि लोग सच्चाई को सत्य को पसंद तो करते हैं तो मेरे थोड़ा इसमें संशय हैं पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं मुझे तो ऐसा लगता है आधुनिक सभ्यता में जीने वाले लोग सत्य को पसंद नहीं करते हैं पसंद इसलिए नहीं करते हैं उसके सामना करने की क्षमता नहीं है अपने जीवन शैली में अपने व्यक्तित्व में सत्य के अभाव है सब एक प्रकार से बनावट कृत्रिम आप ज्ञान कृत्रिम हो गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जमाना है तो इस जमाने में अगर जो हम उपयोग करने वाले जो चीज हैं वो सत्य हैं वो यथार्थ हैं तो उसको कृत्रिम की संजय क्यों दिया जाए आर्टिफिशियल के नाम क्यों दिया जाए आर्टिफिशियल एक स्वीकार्य हैं हम जो दे रहे हैं हम जो बना रहे हैं हम जो उपयोग कर रहे हैं वह रियल नहीं है ओरिजिनल नहीं है वो केवल एक कृत्रिम है आर्टिफिशियल है उस आर्टिफिशियल से जो आर्टिफिशियल की जीवन हमको मिल सकते हैं उसमें ना तो एक दूसरे के प्रति उपकार करने की परहित साधने की आकांक्षा या इच्छा रखते हैं या उसकी प्रक्रिया रखते हैं या उसकी क्षमता रखते हैं तो इसलिए सब अपने अपने कंधे पर अपने अपने पांव रख करके खड़ा होने की चेष्टा करते हैं मुझे अच्छा लगता है ये तीन शब्द भविषा सरन ने आधुनिक विषय में कहा है नॉवेल्ट्री सेल्फ ग्राउंडिंग वायलेंसनोनी टू मॉडर्निटी पहले कभी दिखाई ना दिया हो या कभी उपयोग भी नहीं हुआ हो एक नावल्टी एक वो नए पैन नहीं है एक पहले जिसकी संतत से किसी की संतत से किसी की परंपरा से नहीं आए हो एक व्यक्ति ने अपने मन से कोई चीज कृत्रिम रूप से बना दिया हो इसलिए वो कोई अपने को खड़ा होने के लिए कोई आधार नहीं है कोई भूमि नहीं है तो इसलिए स्वयं के ऊपर आधारित करना पड़ता है तो जो कुछ उसमें से उत्पन्न होगा वो हिंसा होगा किसके आहित करेंगे किसी की भी स्वहित भी नहीं कर पाते हैं सबकी आहित करेंगे तो इसलिए वायलेंस ये तीनों कठे जब जहाँ हो जाता है उसका मॉडर्निटी मॉडर्निटी तो अब पुराना हो गया इस समय हम लोग पोस्ट मॉडर्निटी की बात कर रहे हैं पोस्ट मॉडर्निटी में सबसे अधिक चलन किसकी हैं सब से अधिक उपयोगी और चलन या प्रभाव उसकी हैं जो सही नहीं हैं जो रियल नहीं हैं जो यथार्थ नहीं हैं कृत्रिम हैं मशीनों के माध्यम से शक्ति के माध्यम से और चाल के माध्यम से जो जिसको उत्पन्न किया जाता है जिसका संपादन किया जाता है ऐसे माध्यम से जो आने वाले हैं वह आज सबसे के आधुनिक या पश्चातों के शब्द में सबसे नए डेवलप्ड अपग्रेडेड चीज़ माना जाते हैं तो जिससे मनुष्य को समाज के सभी संबंधों से हटा करके काट करके सेल्फ ग्राउंडिंग अपने आप में सीमित एक इंडिविजुअल राइट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इंडिविजुअल थिंग इंडिविजुअल बेनिफिट इन सब के इर्द गिर्द में सब कुछ आ गए हैं तो आज हम किसी के भी प्रति कृतज्ञता की भावना को उत्पन्न करना और रखना कठिन हो रहा है तो इसलिए हमें देखना होगा कि क्या हम किसी की भी प्रति कृतज्ञता की भावना ना रखें किसी के ऊपर हम अपने की आश्रित को अपने की डिपेंडेंसी को नकार दें तो तब हमारा जीवन किस प्रकार के होंगे ये जांचने के प्रतार करने के विश्लेषण करने के योग्य होगा अगर इसको विश्लेषण करेंगे तो हम आज किस यथार्थ के ऊपर आधारित हैं ये समझ में आएगा अगर ये समझ में आए तो कृतज्ञता की भावना समाज के लिए कितना महत्व तो है वह सिद्ध करने के लिए कोई तार्किक तो ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा अपने अनुभव से उसको स्थापित कर सकेंगे ऐसा मुझे लगता है इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ सभी सत्ों के लिए यथार्थ को देखने की और यथार्थ में जीने की सत्य अहिंसा की सिद्धांतों से हम स्वहित और परहित दोनों साध सकें ऐसा मेरे कामना है जय जगत सर के इस अमूल्य वक्तव्य के बाद कुछ शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए सर हम सब बहुत आभारी हैं आपके इस वक्तव्य के लिए सर जब ये विषय रखा गया समाज में कृतज्ञता का महत्व तो मैंने बहुत ढूंढने का प्रयास किया लेकिन मैं कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहा था लेकिन आपके वक्तव्य के बाद सर वह जो मेरी खोज थी वो पूरी हुई सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके वक्तव्य के लिए अक्सर मैं एक कविता सुनाया करता हूँ आज फिर सुनाऊँगा इस सभागार में वह आज ज़्यादा प्रासंगिक है एक पल ही जियो फूल बनकर जियो सूल बनकर ठहरना नहीं जिंदगी जिंदगी की यहाँ अनगिनत डालियाँ किसी पर सुमन बन खिलो तो सही किसी पर सुमन बन खिलो तो सही अभी स्वागत संबोधन में सुचिता शर्मा मैडम कह रही थी हमारे कुलसचिव महोदया को कि महिला सशक्तिकरण की सशक्त हस्ताक्षर मैं उसके साथ कुछ और जोड़ना चाहता हूँ यत्र नारूजनते रमनते तत्र देवता जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं मैं इन्हीं शब्दों के साथ कुलसचिव महोदया को आमंत्रित करता हूँ कि आप आवें और धन्यवाद ज्ञापित करें धन्यवाद डॉक्टर त्रिपाठी परम श्रद्धे कुलपति महोदय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सब के पूजनीय जिनके लिए इस समय सभागार में सभी के दिलों में इतनी श्रद्धा भरी हुई है उनके एक एक शब्द जो सबने सुने इतने अमूल्य हैं और इतने जिंदगी जीने के लिए जो मार्गदर्शन देते हैं हम सब आपके आभारी हैं सर मुझे लगता है कि मुझे उस पार्ट ऑफ दी प्रोग्राम में बुलाया गया है जो एप्लीकेशन पार्ट है जो हमने आज जिस चीज़ के ऊपर चर्चा की है इसका एप्लीकेशन है आभार व्यक्त करना और मुझे इतना मुश्किल काम दे देते हैं डॉक्टर त्रिपाठी हमेशा कि इस तरह के कार्यक्रम में हम क्या आभार किसी का व्यक्त करेंगे हम सब ने जो सुना उसका कोई शब्द तो होता नहीं है कृतज्ञता और आभार हम लोगों ने उसको रच दिया है वो अलग बात है विभिन्न बौद्ध विहारों से आए हमारे पूजनीय भिक्षु संघ हमारे संकाय के अध्यक्ष विभागाध्यक्ष ऑल इंडिया रेडियो से आए हमारे गौतम जी और हमारे सभी विद्वज्जन जो इस सभागार में उपस्थित हैं और हमारे प्यारे छात्र छात्राओं Uh, मैंने जैसा कहा uh, कि हमारे जो ये संजोय पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम है uh, जिसकी संयोजिका मैडम सुचिता मैडम हैं और अनुराग त्रिपाठी जी आपने इतना सुंदर कार्यक्रम और इतनी सुंदर शाम हम सबको दी इसके लिए तो हम uh, बहुत बहुत आभारी हैं uh, पर उसके पहले हम अपने पूजनीय uh, प्रोफेसर रिपोचे रिपोचे सर को मैं Uh, पिछली बार भी जब मैंने सुना था तो हम एक इंग्लिश का वर्ड है स्पेल बाउंड और हिंदी में उसको मैं अनुवाद नहीं कर पाऊँगी uh, वो स्पेल बाउंड बातें आपकी सर जो आपने हमें uh, मतलब मैंने दो चीज़ें uh, सीखी उनसे और वो मैंने लिखी फिर कि मैं इन्हें आपको जो आपने शुरुआत जब की और आपने समता का भाव बताया और आपने ये भी बताया कि कैसे हमारी फ़ीलिंग्स मोमेंट्री होती हैं तीन तरह की फीलिंग तीन लोगों के साथ जैसे अलग अलग होती हैं तो मोमेंट्री कैसे हमारी फ़ीलिंग्स होती हैं और जब आपने आखिरी में मुझे लगता है कि डॉक्टर त्रिपाठी उसी का जिक्र कर रहे होंगे जब आखिरी में आपने बताया कि मैत्री और करुणा के भाव से कृतज्ञता उत्पन्न की जा सकती है इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में सर ये चीज़ जो आपने बताई ये बहुत बहुत हम सब के जीवन में आगे मार्गदर्शन देंगी और अनरियल और आर्टिफिशियल होती हुई दुनिया और उसमें उस यथार्थ में जीने की बातें आपने हम सबको सिखाई बहुत बहुत आभार सर और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कुलपति महोदय जी हमेशा बहुत सिंपल तरीके से मैं ये हमेशा कहती हूँ सर को कि सर आपकी जो फिलॉसफी है वो इतनी सिंपलिस्टिक हम जैसे बहुत सिंपल लोगों को भी समझ आ जाए आप ऐसी बातें कि हम सुबह उठें और अपने उस चाय के प्याले से शुरुआत करें और उस चाय के प्याले से शुरू करें उन लोगों को गिनना जिनके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए ये बातें आप हमेशा कहते हैं पर हमेशा नवीन लगती हैं और हमेशा ऐसी लगती हैं कि हम आ, आ, सुनते हैं और फिर उसको प्रैक्टिकलिटी में शायद भूल जाते हैं हम उसे बातों में रखते हैं और फिर अपने जीवन की रोज़मर्रा की चीज़ों में उसे फिर से अपने उन्हीं उलझनों में फंसा लेते हैं और उन्हीं चीज़ों में फिर अपने इमोशंस और अपने सेंटिमेंट्स के हिसाब से उसको फिर चेंज कर लेते हैं तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उन बातों का जो हमारे जीवन में बहुत काम आएंगी यहाँ बैठे छात्र छात्राएं मुझे लगता है कि हम सब बहुत लकी हैं मैं तो लकी हूँ सर कि मैंने दो बार रिम्पोचे सर को सुना सुन बोलते हुए और मैं लकी हूँ इस संस्था में आने के लिए कि ना ऐसा मैं आती और ना मैं इतनी अच्छी और इतनी जो इतनी Uh, सुंदर बातें हैं ज़िंदगी की ज़िंदगी जीने की जहाँ सिर्फ सर ने जैसा बताया कि सिर्फ कंपटीशन चल रहा है जहाँ कोई कोऑपरेशन की बात नहीं करता जहाँ सिर्फ यूज़ करने की बात करते हैं और जहाँ कहीं सॉरी uh, कंज्यूम करने की बात करते हैं यूज़ करने की बात नहीं करता उस uh, दुनिया में एक ऐसी संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रबल स्टडीज़ भी है जिसकी नींव आप जै जे, आप जैसे महानुभावों ने रखी और जिसकी परम्परा आगे हम सब इन बच्चों के थ्रू ले जाना चाहेंगे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद <laughs> साथ में मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जो विभिन्न हमारे यहाँ पे बौद्ध विहारों से लोगों ने आकर के आपके प्रेजेंस आपके यहाँ बैठने से ही इस अतिशा सभागार में जो वाइब्रेशंस आपके थ्रू बह बह रही हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डीन्स ऑफ फैकल्टीज एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स जिन्होंने एक ज्ञान की परंपरा सजोए रखा है और इस हॉल में बैठ करके के हम सब ने उसको एक साथ साझा किया आप सबका भी धन्यवाद और ऑल इंडिया रेडियो से हमेशा हमें बहुत सपोर्ट मिलता है गौतम जी आ जाते हैं हमारी प्रेस और मीडिया सर मैं ये बिल्कुल बोलना चाहूँगी कि ये संस्थान इसी शहर में है और मैं भी बी में पिछले 25 साल से हूँ लेकिन प्रेस और मीडिया ने इस संस्थान को छुपा के रखा शायद और ये अब इतना मुझे धन्यवाद देने का मन करता है कि आज जन जन तक पहुँचाने के लिए हर डोर स्टेप पे बुद्धिज़्म और उसकी फिलॉसफी हमारे कार्यक्रमों के माध्यमों से हमारे प्रयासों के माध्यमों से माध्यमों से आप सब पहुँचाते हैं इसका इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आ, इसके पहले कि मैं बच्चों पर आऊं मैं आखिरी में ये बात कहना चाहूंगी कि इस ऑर्गेनाइजिंग टीम ये ऑर्गेनाइजिंग टीम खास है क्योंकि इतनी शॉर्ट नोटिस पे सर ने जब ये आइडिया रखा और आपने सुचिता मैडम आपने जैसे इसको इतने सुंदर तरीके से इसको स्ट्रक्चर किया इस पूरे प्रोग्राम को इतनी सिम्पलिसिटी में इतनी गहरी बातें रखी और डॉक्टर अनुराग त्रिपाठी डॉक्टर रवि डॉक्टर उमाशंकर डॉक्टर प्रशांत जो भी इससे एसोसिएटेड हैं इस पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टी की उन सब को भी मैं धन्यवाद देती हूँ और प्रशासन में डॉक्टर हिमांशु पांडे जी जिनके बगैर हमारा प्रशासन और उसकी लॉजिस्टिक्स हो नहीं पाती हैं और हमारे जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उन सब का भी धन्यवाद ये लाइट या इलेक्ट्रिसिटी और इतना सुंदर हॉल बना के रखने के लिए इतना सुंदर माहौल देने के लिए मैं उन सारे कर्मचारियों को भी धन्यवाद देती हूँ और इस कार्यक्रम का सफल होना इन बच्चों के अंदर जो बातें रिले कर पाए हम और इन बच्चों के प्रेजेंस से ही हुआ है तो मैं सारे स्टूडेंट्स को भी धन्यवाद देती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद मैं सम्मानित मंच से, से आज्ञा लेते हुए इस संगोष्ठी को समाप्त करता हूँ